प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह प्यार हमेशा बनाए रखे और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहे। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, वह उसे हंसते हंसते पार कर देगा। दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी खत्म करने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना होता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को झेलना होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, दर्द तो होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको कुछ देर के लिए राहत तो जरूर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने होते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों को नींद ही नहीं आती। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है। दोस्तों, अगर किसी दूसरे के साथ बुरा हो रहा है और हम हंस रहे हैं तो वह हमारे ही बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों के बुरे समय में हंसना सबसे मोटा पाप है। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत ही प्यारी कहानी हमें पुराणों में मिलती है। मित्रों, एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया, और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोईया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस समय उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला, उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनजान था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकला
और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला, तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने महाघोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना होता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत भयानक चीजें हैं, उसका सामना करना सीखे। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे मोटी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। जिंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वह कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने लिए कोशिश करते रहना जरूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियां भी उसी को मिलती है जो अपनी परेशानियों का सामना डर कर नहीं डट कर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वह है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता, और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना होता है। बुरे वक्त की एक खासियत है, यह जब भी आता है अपने पराए का फर्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो, दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है, मेहनत कर डट कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का ताज है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मजा आता है। जिंदगी में खुशियां भी उसी को मिलती है जो हारना जानते ही नहीं। मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे, सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम करी है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सके।
समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को नहीं समझ सकते। अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया ने सलाम भी उसी को किया है जिसने सफलता को हासिल किया है। तुम्हारा भविष्य क्या होगा यह भी अगर दुनिया तय करेगी तो तुम क्या करोगे? जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना होगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा, अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना भूल कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी भूल कर नहीं जाता, और जो त्याग कर चला जाता है वह कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। बी लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही, मगर हमेशा आगे जाते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी खराब होने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है, कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है।
शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो, यह सबसे मोटा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। चार चीजों का सेवन करना चाहिए, सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भगवान नैया पार लगा देंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूं, जिससे मेरा आने वाला कार्य खराब हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए उस पर परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। महान महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, परिणाम में सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप संसार का सबसे महान ज्ञान अर्जित कर सके। दोस्तों, जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं जाता है वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो, या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए।
पौधे के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो बारीक से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना त्याग दे, तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन कर रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो, अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम खो नहीं जाते हैं, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उनकी यादों में रोई हो, जो अपने के गए गुनाहों पर रोए हो, जो किसी का दिल दुखा कर रोया हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हो, ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो, वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना, सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्यायी लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाता है। गुजर जाएगी यह जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी का खेल, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके ऊपर रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बहुत ही अजीब चीज है, जो कभी सोचते हैं वो मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वह याद आता है, और जो मिला वह संभाला नहीं जाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तब असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तभी जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है,
धैर्य एक पौधा है, मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर ले, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां असफलता पराजय और अत्यंत प्रगति वह है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव कच्चा है, जितना समय गुजर गया वह अच्छा है। खुश रहे, सदा चहक रहे। सदा हम मोटे तो हो गए, पर यह दिल अभी भी बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप यह देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से मिलाने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो चले जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जरा हिम्मत तो करो, भाव बदलेंगे। हकीकत में जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसीलिए नहीं कि वह अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जीते हैं तो एक ही बात काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये पांच चीजें आज ही त्याग दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। दोस्तों, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान अगर यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो यह सात गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। तीन चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है। लालच, ईर्ष्या और गम जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता।
याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। प्रशंसा में पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्द में फिसलना मत। अपनों से अलग सोच के विचारों का हमेशा सम्मान रखो। उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता, वह उनके अनुभव से मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सफलता को कभी सर पर ना चलने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। हमेशा उस सुख का त्याग कर दे जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचे उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या लाभ है। व्यक्ति में बारीक सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और कमजोरी समझा जाता है। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करना। वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो, यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मान लेती है। वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, याद रखिए, कभी वही आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है, तो बुरा कहने वाले लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लिया जाए। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे यह उनका रोज का काम हो। उस जगह हमेशा खामोश हो जाना जहां दो बुरे लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी तो वक्त बुरा होता है, या तो उनकी किस्मत जो बुरे वक्त में काम आ जाए, वह कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें हम बुरा समझते रहे, वही बुरे वक्त में काम आ गए। घटिया लोगों को आप जितनी जगह देंगे, वो उतनी ही तकलीफ आपको देंगे। किसी मौसम में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना ही होता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। दोस्तों, दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया, अकेले रह गया मैं। जब बुरे लोगों का साथ गया, कुछ लोग हमारे साथी बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। यह बुरे लोग भी कमाल करते हैं। सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ लोग पर जरूरी नहीं बुरे ही हो, बस कुछ हालातों के सताए हुए भी होते हैं। लोगों की खासियत है, लोगों से ही सवाल पूछते हैं, और जो हालात के मारे होते हैं, उन्हीं से ही हाल पूछते हैं। अपने हालातों की मुझे कुछ खबर नहीं, बस दूसरों से सुना, इसीलिए परेशान हूं आजकल। आज जो हालात है, वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन कई चेहरे हैं जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। हालातों ने मुझे बना दिया, वो जो मैं था ही नहीं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालात में जीने का हुनर रखता हूं। किसी की मजबूरी और हालातों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। वक्त लगेगा जिंदगी को बदलने में, लेकिन जब वक्त बदलता है तो जिंदगी बदल ही जाती है। हमेशा ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे हैं या कौन हमसे पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढो, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिल में ढूंढो। जो आपको मिला है, सबसे पहले आप उसके लिए आभारी रहिए। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे। गलतियां इंसान से ही होती है, यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वह भगवान ना हो जाए। इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आप खोने लगे, तो हमेशा कोशिश करना। शांत रहने की क्रोध पर विजय पाने की एक कहानी सुनाता हूं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसे दुख मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। कृपा करें, उसे कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूं। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो। तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। संत ने उसे समझाया कि तू खुशियां मत तलाश, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो। हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे, तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। यह बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते। महिला को भी यह सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी। इसीलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब क्रोधित होते हैं, तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, तो क्रोध आता है और परेशानियां मिलने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं जाने देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और बातों में समानता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना होता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया गया धन दुख और सिर्फ दुख ही देता है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से मोटी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ता बदलो सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध मोटी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना, सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्यायी लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाता है। गुजर जाएगी यह जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी का खेल, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है उनके ऊपर रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बहुत ही अजीब चीज है। जो कभी सोचते हैं वो मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वह याद आता है, और जो मिला वह संभाला नहीं जाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तब असर करती है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तभी जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर ले, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां असफलता, पराजय और अत्यंत प्रगति वह है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव कच्चा है। जितना समय गुजर गया वह अच्छा है, खुश रहे, सदा चहक रहे। सदा हम मोटे तो हो गए पर यह दिल अभी भी बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप यह देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से मिलाने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो चले जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं नींद नहीं, पैसे से महल खरीद सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में जरा हिम्मत तो करो, भाव बदलेंगे। हकीकत में जरा कोशिश तो करो, सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसीलिए नहीं कि वह अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं लेकिन अगर सही से जीते हैं तो एक ही बात काफी है। मृत्यु से डरो नहीं बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है लेकिन प्रयास ना करने वाला जीवन भर गिरता रहता है।
जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये पांच चीजें आज ही त्याग दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। दोस्तों, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान अगर यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकता है। जब आप मुश्किल में हो तो यह सात गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। तीन चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है, लालच, ईर्ष्या और गम। जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। प्रशंसा में पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्द में फिसलना मत। अपनों से अलग सोच के विचारों का हमेशा सम्मान रखो। उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता वह उनके अनुभव से मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सफलता को कभी सर पर ना चलने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। हमेशा उस सुख का त्याग कर दे जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचे। उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या लाभ है। व्यक्ति में बारीक सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और कमजोरी समझा जाता है। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना। करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मान लेती है। वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, याद रखिए, कभी वही आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वाले लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लिया जाए। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे यह उनका रोज का काम हो। उस जगह हमेशा खामोश हो जाना,
जहां दो बुरे लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी तो वक्त बुरा होता है, या तो उनकी किस्मत जो बुरे वक्त में काम आ जाए वह कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा समझा था मैंने? ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिन्हें हम बुरा समझते रहे वही बुरे वक्त में काम आ गए। घटिया लोगों को आप जितनी जगह देंगे वो उतनी ही तकलीफ आपको देंगे। किसी मौसम में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना ही होता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। दोस्तों, दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया, अकेले रह गया मैं। जब बुरे लोगों का साथ गया, कुछ लोग हमारे साथ ही बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं, यह बुरे लोग भी कमाल करते हैं। सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ लोग पर जरूरी नहीं बुरे ही हो, बस कुछ हालातों के सताए हुए भी होते हैं। लोगों की खासियत है लोगों से ही सवाल पूछते हैं, और जो हालात के मारे होते हैं उन्हीं से ही हाल पूछते हैं। अपने हालातों की मुझे कुछ खबर नहीं, बस दूसरों से सुना, इसीलिए परेशान हूं आजकल। आज जो हालात है वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन कई चेहरे हैं जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। हालातों ने मुझे बना दिया वो जो मैं था ही नहीं। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें, हमसे हर हालात में जीने का हुनर रखता हूं। किसी की मजबूरी और हालातों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। वक्त लगेगा जिंदगी को बदलने में, लेकिन जब वक्त बदलता है तो जिंदगी बदल ही जाती है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से मोटी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध मोटी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है, और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है।
वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हमेशा खुश रहो और मिलते हैं अगली वीडियो में।